नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो चुका है टॉप 10 बुलेटिन का, तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं ज्ञानवापी मस्जिद के मुद्दे पर। आज का सर्वे खत्म होने के बाद ये दावा किया गया कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर एक शिवलिंग पाया गया। हालांकि मुस्लिम पक्ष द्वारा एक तस्वीर जारी करके इस दावे को पूरी तरीके से खारिज किया गया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे चल रहा है। रविवार को सर्वे के दौरान हिंदू पक्ष ने वजू करने वाली जगह पर शिवलिंग मिलने का दावा किया है। जिले के सीनियर डिवीजन कोर्ट ने भी शिवलिंग मिलने की बात मानी है और वकील हरिशंकर जैन की ओर से दाखिल याचिका को स्वीकार करते हुए शिवलिंग वाली जगह को सील करने का आदेश दे दिया है। वही मुस्लिम पक्ष की ओर से एक तस्वीर जारी कर दावा किया गया है कि जिसे शिवलिंग बताया जा रहा है वो फव्वारा है। इसी फव्वारे को हिंदू पक्ष के लोगों की ओर से शिवलिंग बताया जा रहा है। अंजुम इंतजामिया कमेटी के संयुक्त सचिव एसएम यासिन ने तस्वीर की पुष्टि की है। हिंदू पक्ष ने सुबह 12 फीट की शिवलिंग मिलने का दावा किया था। मुस्लिम पक्ष के वकील तौहद की तरफ से ये तस्वीर वायरल की जा रही है। श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी विवाद में कोर्ट के आदेश पर मस्जिद के भीतर सर्वे कराया जा रहा है। सोमवार को दावा किया गया कि मस्जिद के भीतर रजू करने के स्थान पर एक तालाब में 12 फीट का शिवलिंग मिला है। ये तालाब मस्जिद के अंदर एक शेड के नीचे है। जितेंद्र सिंह बिसेन ने बताया कि उन्होंने शिवलिंग को देखा नहीं है, लेकिन उसकी लंबाई 12 फीट बताई जा रही है। मस्जिद के भीतर शिवलिंग मिलने पर हिंदू संगठन ने खुशी जाहिर की है। बताया जा रहा है कि जैसे कि तालाब में शिवलिंग मिला, वैसे ही हर हर महादेव के नारे गूंजने लगे। लेकिन ये शिवलिंग मुस्लिम पक्ष के अनुसार ये शिवलिंग नहीं बल्कि एक फुहारा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो यूपी बिहार जाने के लिए एक तरफ जहां आम यात्रियों को टिकट नहीं मिल रहा है, आम लोग परेशान हैं, तो वही टिकटों की दलाली भी जोरों शोरों से शुरू है। गर्मी की छुट्टी के दौरान लंबी दूरी की ट्रेनों में भारी भीड़ हो रही है। ऐसे में यात्रियों से ज्यादा पैसे लेकर टिकटों की कालाबाजारी करने वाले दलालों पर मध्य रेल के एंटी टाउट स्क्वाड ने नकेल कसते हुए कार्रवाई की है। आरपीएफ की मदद से अनधिकृत टिकट दलालों के खिलाफ अभियान चलाया गया है। स्क्वाड ने दलालों के खिलाफ 27 मामले दर्ज किए और 7,99,759 रुपए मूल्य के 646 टिकट जब्त किए गए। मध्य रेल के मुंबई डिवीजन टिकट चेकिंग से एंटी टाउटिंग स्क्वाड, रेलवे सुरक्षा बल के आरपीएफ, सीबीआई के आईटी सेल कल्याण के सदस्यों ने एबीएन होटल, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, विलेपाले ईस्ट के पास जाल बिछाकर घनश्याम प्रजापति नाम के व्यक्ति को पकड़ा। उसके साथ ही रमेश यादव के पास से कई टिकट जब्त किए गए। इससे पहले एटीएस टीम ने एसआईपीएफ की मदद से संतोष श्यामलाल गुप्ता नाम के व्यक्ति को पकड़ा। इनके पास से एक मोबाइल, एक सीपीयू, 43 ई टिकट और 1,05,893 रुपए जब्त किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो क्या एक बार फिर से बारिश में डूब जाएगी मुंबई? इस बार 22 दिन हाई टाइड आने वाले हैं। नीतीश राणे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से पत्र लिखकर ये सवाल पूछा है। मानसून का अंडमान में आगमन हो चुका है, अब बस कुछ ही दिनों में देश भर में मानसून छा जाएगा। जानकारों का कहना है कि इस बार महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में पिछले कुछ सालों से ज्यादा बारिश होगी। इस बार 22 दिन हाई टाइड्स के होंगे, पिछले साल 18 दिन हाई टाइड्स के थे। सवाल ये है कि मुंबई क्या फिर तुम्बई बन जाएगी? क्या एक बार फिर 26 जुलाई की कहानी दोहराई जाएगी? क्या इस बार भी शहर भर में पानी भर जाएगा? क्या एक बार फिर कुछ लोगों की जाने सड़कों के मैन होल के ढक्कन खुले रहने की वजह से डूबने से जाएंगी? इस बार इन सवालों का समाधान मिलेगा या नहीं? मुंबई देश और दुनिया में एक बार फिर बरसात की तैयारी ना कर पाने की वजह से बदनाम होगी। ये सवाल बीजेपी विधायक नीतीश राणे ने सीएम उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर पूछे हैं और बारिश से पहले मुंबई महानगर पालिका की तैयारियों को दुरुस्त करने की अपील की है।
मुंबई में 386 ऐसे ठिकाने हैं जो जोखिम से भरे हैं। इन्हें फ्लडिंग पॉइंट्स कहा जाता है। इनमें से 28 पश्चिमी इलाके में ही मौजूद है। सिर्फ माजुंगा वजाला सायन में ही 25 फ्लडिंग पॉइंट्स है। ये इलाके एक दूसरे के करीब है। नितेश राणा ने अपने पत्र में लिखा कि क्या इस बार 22 दिन हाई टाइड्स के बताए जा रहे हैं। ऐसे में अगर मुंबई में 250 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो गई तो क्या एक बार फिर 26 जुलाई का इतिहास दोहराने की आशंका है। नितेश राणा ने अपने पत्र में जिक्र किया कि अगर इन फ्लडिंग पॉइंट से जहां बारिश का पानी कुछ ही देर में भर जाता है वहां पानी तुरंत जमीन के नीचे चला जाए या बाहर निकल जाए, इसकी क्या कोई व्यवस्था नहीं की जाएगी या फिर इन जगहों पर पंप लगाकर खाना पूर्ति कर ली गई है। सिर्फ पंप लगाने से पानी भरने की समस्या नहीं जाने वाली है, पानी के निकलने के लिए और भी उपाय करने होंगे। नाला सफाई का काम 50% करने का लगातार दावा किया जा रहा है। सबसे ज्यादा बारिश 4 जून और 3 जुलाई को होने का अनुमान जताया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो अब वाहन चालकों को पीयूसी के लिए अधिक रुपए देने पड़ेंगे। पीयूसी के दाम बढ़ गए हैं। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के बाद अब आम लोगों को महंगाई का एक और झटका लगा है। सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि 13 राज्यों में पीयूसी परीक्षण दरों में वृद्धि को मंजूरी दे दी गई है। वर्तमान में प्रदेश में करीब 2400 पीयूसी केंद्र है जहां वाहनों का निरीक्षण कर पीयूसी सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। फिलहाल पीयूसी केंद्र संचालक पीयूसी दरों में बढ़ोतरी से संतुष्ट नहीं है। संघ के अधिकारियों ने कहा कि ऑनलाइन प्रणाली जो 2020 से लागू है, उन्होंने पीयूसी केंद्र संचालकों की लागत में वृद्धि की है। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में पीयूसी दरों में वृद्धि नहीं हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो दहिसर से मीरा भाईंदर तक के मेट्रो 9 लाइन का कार्य रुक गया है। क्या है कारण, देखिए इस रिपोर्ट में। मेट्रो 2A एवं 7 का विस्तार कर निर्माणाधीन मेट्रो 9 के बीच में आने वाले नवघर पुलिस थाने का स्थानांतरण कर उसका निर्माण MMRDA करेगा। इसके लिए लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार मेट्रो 9 स्टेशन के निर्माण में मीरा भाईंदर का नवघर पुलिस थाना आड़े आ रहा है, इसीलिए MMRDA ने स्वयं निविदा मांग कर पुलिस स्टेशन निर्माण का निर्णय लिया, जिसकी अनुमानित लागत 99.42 लाख रुपए आंकी गई है। मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर SVR श्रीनिवास ने पुलिस स्टेशन के स्थानांतरण की पुष्टि की। मुंबई मेट्रो लाइन 9 दहिसर से मीरा भाईंदर मेट्रो लाइन का विस्तार है। 11.38 किलोमीटर लंबी लाइन 10 स्टेशनों के साथ पूरी तरह से एलिवेटेड कॉरिडोर है। ये नई लाइन मौजूदा वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, वेस्टर्न रेलवे, मेट्रो लाइन 2A और मेट्रो लाइन 7 को कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। हालांकि मेट्रो लाइन 9 के डेपो का अभी तक निर्णय नहीं हो पाया है। भविष्य में मेट्रो लाइन 9 को घाटकोपर थाने कासार वड़वरी मेट्रो से जोड़ने की योजना है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। महाराष्ट्र के एक जिले में एक किसान ने 200 क्विंटल प्याज ऐसे ही मुफ्त में बांट दिया। कारण जानकर हैरान रह जाएंगे आप। महाराष्ट्र में कई बार आपने ऐसी घटनाओं के बारे में सुना होगा जिसमें किसानों ने सैकड़ों क्विंटल टमाटर या प्याज को सड़कों पर फेंक दिया या फिर फसल को खेती में ही सड़ने के लिए छोड़ दिया। राज्य के ग्रामीण भाग में इस तरह की घटनाएं कई बार देखी और सुनी गई। इसकी सबसे बड़ी वजह होती है किसानों को उनकी फसल या उचित मूल्य न मिल पाना। फिलहाल महाराष्ट्र के बुलढाणा स्थित शेगांव में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां एक किसान ने प्याज का उचित दाम न मिलने की वजह से 200 क्विंटल प्याज को मुफ्त में ही जरूरतमंद लोगों के बीच में बांट दिया। पीड़ित किसान ने 2 एकड़ जमीन पर प्याज की फसल लगाई थी जिसमें उसके तकरीबन 2 लाख रुपए खर्च हुए थे। किसान को फिलहाल थोक मंडी में 1 किलो प्याज का दाम तकरीबन 4 रुपए प्रति किलो मिल रहा था, जो लागत से भी कम था। किसान का कहना है कि स्थानीय बाजार में उन्हें अपनी फसल का लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रहा था, ऐसे में वह इसको बेचने के लिए दूसरे बाजारों में कैसे लेकर जाते, इसलिए परेशान होकर इतना बड़ा कदम उठाया। मुफ्त
में प्याज मिलने की खबर कुछ ही मिनटों में जंगल में लगी आग की तरह फैल गई। इस दौरान नागरिकों का हुजूम इकट्ठा हो गया और 200 क्विंटल प्याज देखते ही देखते लोगों के बीच में बट गया। मुफ्त के प्याज बांटने वाले इस किसान का नाम कैलाश नारायण टंपले परत। किसान का कहना है कि इस बार पहले से भी ज्यादा नुकसान हुआ है, ऊपर से मंडी में प्याज ले जाने का खर्च अलग होता है। मुफ्त में किसान ने प्याज बांट कर सरकार के मुंह पर तमाचा मारा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अल्कोहल टेस्ट में मुंबई के सबसे ज्यादा फ्लाइट कर्मचारी पायलट्स फेल हुए हैं। देश के 42 एयरपोर्ट के 84 कर्मचारी ड्यूटी के दौरान नशे में काम करते पाए गए। डीजीसीए की एक रिपोर्ट के अनुसार इनमें से 54 यानी 64% कर्मचारी ड्राइवर निकले। एयरपोर्ट कर्मचारी को लेकर नागरिक विमान महानिदेशालय डीजीसीए की यह रिपोर्ट 2021 से मार्च 2022 के बीच की है। अल्कोहल टेस्ट के दौरान नशे में मिले अधिकांश कर्मचारी एयरपोर्ट संचालकों के कर्मचारी हैं। अन्य कंपनियों जैसे केटरिंग कंपनियां, ग्राउंड हैंडलिंग कंपनियां, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस कंपनियां आदि से भी कई कर्मचारी नशे में धुत पाए गए। डीजीसीए की रिपोर्ट के अनुसार एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा संचालित 35 एयरपोर्ट पर 56 अडानी समूह द्वारा संचालित 4 विमानतलों पर 17 जीएमआर समूह द्वारा संचालित 2 एयरपोर्ट के 9 और फेयरफैक्स इंडिया द्वारा संचालित बेंगलुरु एयरपोर्ट के 2 कर्मचारी ड्यूटी पर नशे में मिले। बेंगलुरु हवाई अड्डे के संचालक BIAL ने स्पष्ट किया कि शराब परीक्षण में फेल होने वाले 2 कर्मचारी उनके नहीं थे। जनवरी 2021 से मार्च 2022 के बीच मुंबई एयरपोर्ट पर सबसे ज्यादा 9 कर्मचारी अल्कोहल टेस्ट में फेल हुए। यह एयरपोर्ट पिछले साल जुलाई से अडानी ग्रुप के नियंत्रण में है। जुलाई 2021 से पहले मुंबई हवाई अड्डा GVK समूह के नियंत्रण में था। GMR समूह द्वारा संचालित दिल्ली हवाई अड्डा दूसरे नंबर पर रहा। इसके 8 कर्मचारी उक्त 15 महीने की अवधि में अल्कोहल परीक्षण में फेल हुए। रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो BMC का अब ये फैसला आया है सामने कि अब लकड़ी से अंतिम संस्कार नहीं होगा। जी हाँ, अब लकड़ी से अंतिम संस्कार पर मुंबई में रोक लगा दी गई है। पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए मनपा पेड़ों को बचाने के लिए नई कदम उठा रही है। मनपा प्रशासन ने अंतिम संस्कार के लिए लगने वाली लकड़ियों पर अंकुश लगाने के लिए अब बैरिकेड्स बायोमास नाम की नई प्रणाली का उपयोग करने का निर्णय लिया है। मनपा आयुक्त इकबाल सिंह चाहल ने दाह संस्कार के लिए हर साल लगने वाली लाखों किलो लकड़ियों के उपयोग पर कुछ हद तक रोक लगाने के लिए कदम उठाया है। मनपा की तरफ से मुंबई के 14 शमशान भूमि पर ब्रिकेट्स बायोमास का उपयोग करने का निर्णय लिया गया है। मनपा का कहना है कि हर साल इन 14 शमशान केंद्रों पर लगभग 18,60,000 किलो लकड़ी लगती है, लेकिन अब लकड़ी का उपयोग ना कर ब्रिकेट्स बायोमास का उपयोग किया जाएगा, जिससे लाखों किलो लकड़ियों की बचत होगी। दाह संस्कार के लिए लगने वाली लकड़ियों से हर साल बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटा जाएगा। अब ब्रिकेट्स बायोमास का उपयोग करने से लकड़ियों के उपयोग से बचा जा सकेगा। जिन शमशान भूमि में दाह संस्कार के लिए ब्रिकेट्स बायोमास का उपयोग किया जाएगा, उनमें डी वार्ड की मंगलवारी शमशान भूमि, ई वार्ड की बैकुंठ धाम, हिंदू शमशान भूमि और कई शमशान भूमि शामिल है। तो चलिए आज कहानी जानते हैं एक कलयुगी बेटे की, जिसने अपने माँ बाप को अपनी पत्नी के लिए दर दर भटकने के लिए मजबूर कर दिया। माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा बनाते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े होकर उनके साथ ऐसा कदम उठाते हैं तो वे दुनिया की नजर में तो बाद में, पहले अपनी ही नजरों में गिरकर मर क्यों नहीं जाते हैं। यह एक ऐसे ही बूढ़े माँ बाप की कहानी है जिन्होंने अपने बेटे को उच्च शिक्षित बनाया। आज जब अपने अभिभावकों का ध्यान रखने का वक्त आया तो नालायक ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। ये शर्मनाक और दर्दनाक घटना महाराष्ट्र के अमरावती की है। अमरावती के नवसारी में एक जवान बेटे ने अपने बूढ़े और बीमार माँ बाप को घर से निकाल दिया। अब ये बुजुर्ग अमरावती की भीषण गर्मी में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं।
जिस वक्त ये सड़कों पर आ गए हैं उस वक्त अमरावती में दिन का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। इस बुजुर्ग दंपत्ति का नाम मारुतराव पवार और परमिला पवार है। बेटे ने तो घर से निकाल दिया, बहू ने इन दोनों के खिलाफ गाड़गे नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज करवा दिया है। ये बुजुर्ग दंपत्ति पिछले कुछ महीनों से अपने बेटे के साथ रह रहे थे, लेकिन इन दोनों के साथ रखने के मुद्दे पर बेटे और बहू में रोज झगड़ा हुआ करते थे। आखिर बेटे ने इन बुजुर्गों को अपने घर से ही बाहर निकाल दिया। बहू ने तो अपने सास ससुर के खिलाफ पुलिस में ये शिकायत भी दर्ज करा दी कि दोनों उनके साथ गाली गलौज और झगड़ा किया करते थे। इन दोनों बुजुर्ग माँ बाप को पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए बुलाया गया। बेटा और बहू इन्हें बाहर निकाल कर घर पर ताला डाल कर कहीं घूमने चले गए। तपती दोपहर में बुजुर्ग दंपत्ति दिन गुजारने को सड़क पर अकेले रह गए। आखिर शेरगांव इलाके में रहने वाली इनकी बेटी को सूचना मिली तो भागी भागी शहर आई। बेटी ने अपने माँ बाप को न्याय दिलाने के लिए पुलिस का दरवाजा खटखटाया, लेकिन पुलिस वालों ने भी अपनी लाचारी बताई। सभी कर्मचारी अधिकारी अपने अलग अलग काम पर है, करे भी क्या, बेटे का घर भी बहू के नाम पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो एक शराबी यात्री ने, नशे में धुत यात्री ने फ्लाइट में ऐसा कोहराम मचाया कि फ्लाइट को मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग कराना पड़ा। भारी शराब के नशे में धुत एक यात्री ने बीच हवा में ड्रामा किया और चालक दल के सदस्यों के साथ बदसलूकी की, दुर्व्यवहार किया, जिससे दोहा बेंगलुरु उड़ान को मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान भरने के बाद सहार पुलिस ने अनियंत्रित यात्री मोहम्मद सरफुद्दीन उलवर को गिरफ्तार कर लिया। ये घटना शनिवार देर रात की है, जब इंडिगो का एक विमान कतार की राजधानी दोहा से बेंगलुरु जा रहा था। FIR के मुताबिक उलवर नशे में धुत हो गया और पहले क्रू मेंबर्स के साथ बदसलूकी करने लगा। बाद में वो अपनी सीट से उठकर दूसरे यात्रियों से बहस और गाली गलौज करने लगा। पायलट ने घोषणाएं की, लेकिन उन्होंने नहीं सुना, जिससे आपातकालीन लैंडिंग को मजबूर होना पड़ा। पुलिस ने इसके बाद आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 336, दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना, और धारा 22 से हमला डराना या धमकी देना, चाहे शारीरिक रूप से मौखिक रूप से, चालक दल के सदस्यों के कर्तव्यों के प्रदर्शन में हस्तक्षेप कर सकता या चालक दल के सदस्यों की उन कर्तव्यों को पूरा करने की क्षमता को कम करता, और 23 की धारा यानी सुरक्षा को खतरे में डालने या अच्छे आदेश और अनुशासन को खतरे में डालने और नियमों का पालन न करने के लिए आरोपी ठहराया। वहीं व्यक्ति को एक दिन के लिए पुलिस कस्टडी में भी भेज दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर। धन्यवाद।